कौन रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी का विवाह सुबह तिरुभाव तिथि है। तो देखो पहले हम श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा श्रवण कर लेते हैं, फिर हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बाद में श्रवण करेंगे। ये कौन है श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी? इनके जो नाम है, इनका नाम क्या है? कविराज। कविराज अर्थ क्या होता है? जो दवाई देते। तो इनका इनका जो उपाधि है वो कविराज, देखो नाम से पता चलता है रामचंद्र कविराज। कविराज का मतलब होता है जो दवाई देते हैं। तो इनके जो पिता है, इनके पिता बड़े अच्छे एक इनके जो पिता थे बड़े अच्छे वैद्य के घर में जन्म ग्रहण किए थे। और सबसे बड़ी बात है जब रामचंद्र कविराज गोस्वामी के जो माँ है और उनके जो पिता है दामोदर कविराज गोस्वामी, तो जो दामोदर कविराज गोस्वामी है सबसे उस जमाने के बहुत बड़े वैद्य थे। उस जमाने के डॉक्टर नहीं थे, तो वो सब नारी को देखते हुए जंगल के जो वन पुष्पों को और पत्ते को एकत्रित करके उसको ही औषधि के रूप में दिया करते थे। तो ये बड़े विद्वान थे रामचंद्र कविराज गोस्वामी। और ये कौन है? ये है हमारे जो तीन आचार्य श्रीनिवास श्यामानंद और नरोत्तम प्रभु, हमारे जो तीन आचार्य है ये श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का ये प्रिय शिष्य है। ये श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का प्रिय शिष्य है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने कीर्तन में लिखते हैं, देखो तो कीर्तन हम सुबह हर दिन का पाठ करते हैं। कौन सा कीर्तन? रामचंद्र संगमागे नरोत्तम दास चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। देखो हर दिन पाठ करते हैं ना कीर्तन सुबह, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि रामचंद्र के संगम आगे नरोत्तम दास, अर्थात नरोत्तम दास यद्यपि श्री रामचंद्र गोस्वामी का रामचंद्र कविराज गोस्वामी का श्रेष्ठ है, मतलब नरोत्तम दास ठाकुर उनके गुरु तुल्य है, फिर भी यहाँ पे बता रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर उनके बहुत आत्यंतिक संग, मतलब बहुत आत्यंतिक उनके दोस्त थे, उनके बंधुता था उनके अंदर रामचंद्र कविराज गोस्वामी और श्री नरोत्तम ठाकुर के बीच। तो ये शिष्य किसके हैं कि श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का एक कृपा प्राप्त है। श्रीनिवास आचार्य ठाकुर ने इनको दीक्षा मंत्र आदि प्रदान किया था। इनके जो वैराग्य, देखो महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान, इनके क्या वैराग्य है, एक वैराग्य की झलक। ये जब शादी करके जा रहे थे तो जिस जगह पे शादी करके पूरा, जैसे उस समय तो ऐसे आजकल जैसे कार स्पेशल नहीं था, तो उसको पालकी में बिठा के जैसे लेके जा रहे थे, तो जाने के समय ही वहां पे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर बीच में श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का एक भजन कुटीर था जहाँ पे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कथा कीर्तन बोला करते थे। तब ये इतने सुंदर थे, देखो कविराज वैद्य के घर के पुत्र है और बहुत सुंदर दिखते थे, और जब शादी करके जा रहे थे तो उस समय पे कृष्णदास कविराज रामचंद्र कविराज गोस्वामी को देखते ही बीच में और श्रीनिवास आचार्य ठाकुर को देखते ही श्रीनिवास आचार्य ठाकुर ने बोला कि कौन है, जो वहां पे बैठे हुए थे सबको पूछा कि ये कौन है। तो सब लोगों ने बोला कि ये एक बड़े विद्वान है, बड़े कविराज है, और इनका कविराज श्री दामोदर जो कविराज गोस्वामी उनको उस समय हर लोग जानते थे, तो उनके ये नाती है और ये नाती समझ में आ गया पोता, उनके ये पोता है और ये बड़े एक विद्वान है, बड़े विद्वान है। तो श्रीनिवास आचार्य ठाकुर सोचने लगे इसे सुंदर पुरुष अगर कृष्ण के सेवा में अगर लग जाए, इसे सुंदर पुरुष अगर भगवान की सेवा में अगर वास्तव में लग जाए तो ये इसका कल्याण हो सकता है। तब श्रीनिवास आचार्य ठाकुर इस चीज को इच्छा किया मन ही मन। अब तुरंत उसी जगह पे कौन ना रामचंद्र कविराज गोस्वामी अपने पत्नी को लेकर नए नए शादी करके जा रहे हैं, विवाह करके जा रहे हैं उसी जगह पे, और बोले कि टोल रख जो पालकी होता है उसको बोले यहाँ पे उतार दो। फिर वहां गए और श्रीनिवास आचार्य ठाकुर के साथ उनका प्रथम साक्षात हुआ, पहले बार उनका मुलाकात हुआ, और उनसे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर से कथा कीर्तन श्रवण करते हैं, और कथा कीर्तन श्रवण करते ही बोलते हैं भाई आप ये पालकी मुझसे ले जाए ऐसे। तो उनका वैराग्य, उन्होंने फिर से कभी और घर गए नहीं, बोलते हैं रामचंद्र कविराज गोस्वामी पास उधर से ही अपने जो पत्नी को उधर से ही त्याग कर दिया, बोले आप तुम चले जाओ, शादी के जिस दिन आ रहे थे उधर ही बोले थे चले जाए। तो ऐसा उनका वैराग्य है, महाप्रभु का बात महाप्रभु का गण है, इस प्रकार का वैराग्य दिखाते हैं। देखो तो बड़े सुंदर सुंदर है, हरि कथा सुनाए भगवान की
माना है धर्मत को किया है, है? तो किससे उपभोक्ता है मिलेगा किसी चौराह से लगते हैं हफ्ते को स्त्री होने पर पुरुष मिल जाते हैं हर जन्म जीवन में मिलता ही नहीं सब जीवन में मिल जाता है लेकिन ये जो मानव शरीर भगवान ने दिया है हैं लेकिन अगर ये जीवन हम भी ऐसे काम करके चार काम करते हैं क्या करते हैं दिन में दो काम रात में दो काम दिन में दो काम क्या पैसा रोजगार करो परिवार को भरण पोषण करो रात को विषय को और शायद करते हैं कहते बताओ जो कौन सा जानवर ऐसे नहीं जो ये काम नहीं करते अगर हम किसी मानव से कृपा करके हमें अगर ऐसे ही जीवन को बिता दिया तो भगवान थोड़ी दो बार मानव शरीर देंगे ये मानव शरीर किस लिए भगवान ने किया पर ये मानव शरीर में ये मुक्ति का दरवाजा है मुक्ति का दरवाजा है किसी जीवन में ही हमें भगवत प्राप्त हो सकता है उन्होंने कितने सुंदर सुंदर कथा वहां पर सुनाया ना कथा तृणम तृणम मतलब क्या है जितने जल्दी से जल्दी हो तो मैंने लग जाओ कोई बोलता है ना नहीं आज तो बुढ़े बुढ़े हो जाएगी एक दो बार सत्ता लेकर अभी उसको संसार कर लेने कितना जल्दी हो भगवान के हृदय में हमें लग जानी चाहिए ऐसे कथा सुना है इसलिए श्री हमारे श्री तुलसीदास की दुआ है तो पीने पीने सब कोई कहे है सब पर शादी करो शादी करो है लेकिन मेरे मन में यह है चार अटल नोट हो करके जहन कर ले जाए वो कहते हैं शादी भी हो आज से पिता रहना शुरू हो जाएगी इधर आज से उसको हाथ प्यार बांध करके अभी जेल में जा रहा है साक्षी भी हो रही है शादी भी हो रही क्या आज से ये जेल में जा रहे हैं अब तक तो ठीक था कोई चिंता नहीं लेकिन आज से हाथ प्यार उसकी जंजेल से हाथ प्यार उसका फेंक लिया है इसलिए पहले कथा था ना जब शादी होती है बिना बेटी जब जाती है अपना ससुर वर खूब रोती है जब खूब रोती है इतने रो रहे कि सब दुनिया मना रहे थे तू रो रहे हो हम भी बीच में आ जाना हम भी चले जाए मेरी रोना बंद नहीं रहा उसको बदले का क्यों इतना रो रहे चुप हो जा तो जीवन में पहला बार तो मैंने रो लिया आज से मेरा रोना बंद कर दिया रोना जो हो जाए कि हम तो मेरे भी रो अब देना जो दुनिया शादी करके जाता है और घोड़े को पीठ पर बदल जाता है घोड़े को पीठ पर जाता है ना शादी करके इतने में सामने एक घोड़ा जा रहा था और इधर से एक दूल्हा एक घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा था और जो घोड़ा क्या कर रहा था ऐसे देख रहा था हाँ जोर जोर हंस रहा था ऐसे ऐसे देख रहा था दूल्हा तो जोर जोर हंस रहा था सामने जो घोड़ा जा रहा था वही भैया डबल हंस रहे क्या बात है तुम डबल क्यों हंस रहे हो इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि आज मेरे को आज मेरे पीठ पर ये आज हो गया ना लेकिन ये कल से घोड़ा बन रहा है ये कल से ये हमको ऐसे ऐसे भया की कथा सुनाना कि संसार क्या है वास्तव रूप में ये संसार है क्या चीज है संसार में असलियत क्या है फिर भगवान के मानव शरीर हमें दिया किसी ने किसने चीज जीवन हमें मिला है भगवान के भजन के लिए मिला अगर किसी जीवन में भजन नहीं करोगे तो खैर भगवान उसको वही चौरास में खैर भेज देंगे ऐसे ऐसे उनको कथा सुनाना और देखने में पता है बड़ी सुंदर से देखने भगवान सुंदर चेहरा दिया है इसका सार्थकता का शरीर ठाकुर जी को सेवा में लगे ठाकुर जी को सेवा में लगे इसलिए क्या करो तृणम तृणम मतलब होता है कल कल सो आज कर और आज कल सो आप कहते पल में प्रलय होगी बहुत ही रही हम कहते ना भजन बाद से कहते हैं कि अब तो सब धर्म दिया देख ले अरे नहीं इसलिए जितने ऐसे ऐसे उन्होंने कथा सुनाए शादी करके जा रहे थे तो मिला हम तो पता है हम तो ऐसे शादी का संसार में पहले से मिल जाता तो कल्याण हो जाता वो शादी करके जा रहे थे उसी समय से ही उन्होंने सब तो कह दिया जितना बढ़ जाता था अपने पूछ कर जाओ मैं तो गाँव बन रहा आज यही से जा रहा वो वही से सब छोड़ देंगे ना वही से सब छोड़ कर चले गए भजन तब तो भजन के लिए भक्ति करने के लिए चले गए मन में ऐसे बजा कर हमारे मंदिर में एक हमारे गुरु भाई थे हरिजन महाराज वो भी ऐसे शादी करने के लिए बैठे थे शादी के लिए अलग से बैठे हुए थे स्त्री के साथ में बैठे हुए शादी करने के लिए वहीं से ऐसे बयान करो ना वहीं से ही छोटे साधु बनने नहीं चले गए एकदम जीते कर उन्होंने ऐसे प्रभु की भक्ति क्या है भजन क्या है इसे एकदम भगवत प्राप्ति कर वैराग्य से तो
तो इनका वैराग्य किस प्रकार है, ये जब शादी करने जब इन्होंने शादी करके आ रहे थे तो वहां पे इन्होंने फिर कभी वापस घर नहीं जाते, बोलते हैं कि उस उधर से ही जो टोल के थे उससे टोल के लौटा थे, तुम अभी चले जाओ मैं तो अभी साधु बनूंगा। तब ये रामचंद्र कविराज गोस्वामी पाद बहुत देर तक श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का सेवा करते हैं। इनके जो पिता है वो है चिरंजीवी सेन और इनके जो माता है वो का नाम है सुनंदा देवी। तो इनके जो माता पिता का जो माता का जो पिता है मतलब क्या बोलते हैं नाना, वो नाना बहुत बड़े कविराज और ये सारे के सारे दामोदर कविराज, तो सारे के सारे विद्या ये रामचंद्र कविराज को पूरा का पूरा विद्या सिखाया था कि ऐसे पंपद्र से ऐसे जड़ी-बूटी बनता है, ऐसे इलाज होता है, पूरा का पूरा सब शिक्षा दिया था। तब वो थे शिव जी के भक्त, सबके सब थे शिव के भक्त और शिव जी में दुर्गा देवी में ये बहुत निष्ठा रखते थे। तो एक समय की बात है जब इन्होंने फिर से प्रचार करने के लिए जाते हैं तो अब ये तो पहले तो त्रिपुण धारण करते थे, शिव जी के रुद्राक्ष धारण करते थे, अब फिर श्रीनिवास आचार्य ठाकुर के सानिध्य में आए, उनके शरणागत हुए, तब अब ये क्या धारण करेंगे, द्वादश तिलक धारण किया, कंठी धारण किया, तुलसी धारण किया और जब धारण करके जब जा रहे थे तो उनके गांव में जब गए प्रचार करते हुए सब लोग उनके जो परिवार वर्ग थे उनके गाँव में बड़े बड़े और भी लोग थे तो सब बोलने लगे आज देखो वो तो ये रामचंद्र कविराज जो शादी के दिन से भाग गया था, शादी के लिए जा रहा था भाग गया था और जब वो प्रचार करने लगे कृष्ण भक्ति के प्रचार करने लगे तब वहां पे श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी को बहुत सारे लोग वहां पे आके प्रश्न पूछते हैं कि देखो आप कौन हो, आप दामोदर कविराज गोस्वामी के पोता हो, देखो आप तो पूरा का पूरा कविराज हो और आप शिव जी के परम भक्त हो, आप ये शिव जी के सेवा पूजा छोड़ के आप कहाँ ये तुलसी तिलक धारण करके कंठी धारण करके वैष्णव बन चुके होगा, तो आप ये सब छोड़ दो, ये सब हमारे सिद्धांत विरुद्ध है। तब उन्होंने भी वहां पे अपने सिद्धांत का विशेष रूप में खंडन किया, उन्होंने अपने गाँव में उसी जगह पे बड़े बड़े सबको एकत्रित करवाया, पहले ऐसे बोलने दिया सबको पहले एकत्रित करवाया, फिर एकत्रित करके ये रामचंद्र कविराज गोस्वामी सबको बुला के बोलते हैं कि देखो किस प्रकार कृष्ण भगवान है, यथा तरुण मूल निश्चय चलेना तृप्त दर्शन तो भुजो हो सकता, इस प्रकार प्राणों पुनारंच यथा ध्यान सर्वर्ण अच्युत है। तो ये जो श्लोक है इस श्लोक के बारे में पूरा का पूरा विस्तृत करके उन्होंने बताया कि किस प्रकार की यथा तरुण मूल निश्चय चलेना, जिस प्रकार हम अभी वृक्ष को अभी एक पेड़ लगाए ठीक है, तो एक पौधा को हम अभी क्या करेंगे हर तरफ से पानी देंगे और उसके बीच में जो मूल है उसमें पानी नहीं देगा, बताओ क्या होगा, वो सूख जाएगा। तो उसी प्रकार का अगर उसके अगर उसको अलग से कहीं पानी देने का जरूरत नहीं है, उसको अगर हम उसके जो मूल पे जो बीज पे उसको जड़ पे वहां पे अगर हम पानी दे दें तो पूरा का पूरा क्या होगा, भुजो को साका उसके भुजा में उसके पत्र में उसके पुष्प में अलग से पानी देने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार कृष्ण जो है वो सर्वे सर्वेश्वर है, कृष्ण सब देवता का ठाकुर जी है, तो कृष्ण के अगर पूजा करेंगे तो सब देवा देवी हो तृप्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार का उन्होंने किस प्रकार वहां पे सारे के सारे जो जो शिव जी के भक्त थे और उनके गांव में जितने भी अवैष्णव थे सबको वैष्णव बना दिया, इसलिए बोलते हैं ना कि महाप्रभु भक्त जब तक वैराग्य बुला वैराग्य तो है और वहां पे बोलते हैं वृंदावन वासी जब तक वहां पे कीर्तन में बोलते हैं ब्रह्मांड तारिण्य शक्ति त्वरे जने जने, कि ब्रह्मांड को याद करने के लिए बस केवल एक ही व्यक्ति का आवश्यक है, पूरा का पूरा उन्होंने वहां पे सबको वैष्णव कर दिया। अब इन्होंने जब वैष्णव कर दिया था इनके एक और भाई थे छोटे भाई गोविंद सेन, तो ये इन्होंने शिव जी के परम भक्त थे और दुर्गा देवी के भी परम भक्त थे, ये दुर्गा देवी के पूरा अनन्य भक्ति करते थे, अब दुर्गा देवी की भक्ति करते थे लेकिन गांव में सब बन चुके हैं वैष्णव, लेकिन इन्होंने इनके जो छोटे भाई गोविंद है वो अभी तक वैष्णव बने नहीं, तो इनके जो छोटे भाई को इन्होंने बहुत सारा समझाया उपदेश दिया, फिर भी वो दुर्गा देवी के प्रति इतने झुके हुए थे, इतने शरणागत थे, अनन्य भक्ति करते थे दुर्गा देवी का। तो एक बार क्या हुआ कि उनके एक जो बगीचा में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प था, कौन किसका ना गोविंद के जो घर है गोविंद के जो छोटे भाई के गृह में एक बगीचा में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प था,
तो इसको देखते ही जो रामचंद्र कविराज गोस्वामी ने ये सोचते हैं कि और कितना सुंदर पुष्प है, मैं इसको अगर ये अगर मेरे पास होता तो मैं ठाकुर जी के चरण में इसको समर्पण कर देता और मन ही मन वहां पे जाके ठाकुर जी को सब फूल को अर्पण कर दे। अब इन्होंने मन ही मन कर दिया और गोविंद के जो छोटे भाई उनको पता नहीं गोविंद सेन। अब जब गोविंद सेन वहां पे जाते हैं और सारे के सारे पुष्पों का चयन करते हैं, सारे के सारे फूल को जब तोड़ के लाके देवी दुर्गा के चरण में देते हैं, तब दुर्गा देवी वहां पे साक्षात प्रकट हो जाते हैं। बोलते हैं ये सारे के सारे पुष्प प्रसादी हो चुका है, ये तुम कृपा मेरे हाथ में दे दो, क्योंकि तुम मेरे अगर चरण में दे दोगे तो ये मुझे अपराध लग जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे पुष्प मेरे स्वामी को पहले ही अर्पित किया जा चुका है, इसलिए प्रसादी तुम कृपया हाथ में दे दो। तो गोविंद सेन ने उनको जो पुष्प था हाथ में दे दिया, फिर भी उनको समझ में नहीं आया कि कृष्ण भक्ति किस प्रकार का है। तो एक दिन क्या हुआ, इनके घर में ये जब रहते थे तो रामचंद्र कविराज गोस्वामी इनके से अलग से सारलाम शिलाप्रभु थे। तो एक दिन उन्होंने सारलाम शिलाप्रभु को स्नान करवा दिया और वहां पे जो भोग था, जो पात्र में भोग रखा था, वो मन ही मन सारलाम को तुलसी देके भोग लगा दिया। बाद में जब गोविंद सेन आते हैं अर्चन करने के लिए, तब जब अर्चन करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि भोग उनको पता नहीं चला कि ये पहले से ही निवेदित वस्तु है, पहले से ही प्रसाद है। उन्होंने वो प्रसाद को फिर से देवी को भोग लगा दिया, वो प्रसाद को फिर से देवी को भोग लगा दिया। तो देवी बड़े तृप्त हो जाते हैं और रात में स्वप्न देते हैं, देखो हर दिन तुम्हें मुझे और निवेदित वस्तु प्रदान करते थे, आज लेकिन तुमने जो प्रसाद दिया है ना, आज मैं तृप्त हो चुका हूँ, क्योंकि आज तुमने मेरे प्रभु के प्रसाद मुझे दे दिया। अब दुर्गा देवी इसको बार बार जैसे इशारे में बताते चले, लेकिन जो गोविंद सेन उनको दुर्गा देवी में इतना अनन्य भक्ति था, दुर्गा देवी को इतना मानते थे, वो कभी ये बात को समझ नहीं पाए। अब देखे दुर्गा देवी बोले ठीक है, अब जो दुर्गा देवी है ये सोचने लगे कि देखो इसको ऐसे मैं बार बार वार्निंग देता जा रहा हूँ, सुन नहीं रहा है, तो इसको दुर्गा देवी ने फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इंतजाम किया। बोले पूरा का पूरा उसके शरीर में व्याधि कर दिया, पूरा रोग हर तरीके से रोग उसके शरीर में आ गया, जुकाम पता नहीं क्या क्या रोग उसके शरीर में आ गया, और वो मूर्छित हो गया उसकी जगह पे। जब मूर्छित हो गए तो इसको बेड से अभी उठ नहीं पा रहा है, तो बेड से अभी उठ नहीं पा रहा है, तो ये दुर्गा देवी को पुकारते हैं, रक्षा करो माँ, रक्षा करो, मैं आपके इतने दिन सेवा किया, आप मुझे रक्षा करो। तो वहां तो साक्षात रूप में दुर्गा देवी प्रकट होकर बोलते हैं मैं उनको रक्षा नहीं कर पाऊंगा, उनको रक्षा तो कृष्ण करेंगे, तुमको तो रक्षा कृष्ण करेंगे। तो बोलते हैं कृष्ण मुझे कैसे प्राप्त होंगे, बोले तुम्हारे जो बड़े भाई रामचंद्र कविराज गोस्वामी है ना, वो कृष्ण के अनन्य भक्त है, उनके कृपा से ही तुमको कृष्ण प्राप्त होंगे। तब इन्होंने जब ऐसे बात बताया तो वहां पे रामचंद्र कविराज गोस्वामी को गाँव में सब लोग बुलाते हैं, और उसी अवस्था में ही रामचंद्र कविराज गोस्वामी ने किसको, अपने छोटे भाई गोविंद को कान में जो दीक्षा मंत्र प्रदान किया, और उसी अवस्था में ही उन्होंने भजन किया, कृष्ण भजन किया, और वो सुस्त हो गए। तो यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार जो दो शिक्षा दे रहे हैं, एक तो है कि जो महाप्रसाद है हम जो ग्रहण करते हैं, पहले वो ठाकुर जी को भोग लगा के फिर देवा देवी को भोग लगाना चाहिए, तभी जाके देवा देवी संतुष्ट होगी, जब हम ठाकुर जी को निवेदित वस्तु को देवा देवी को प्रदान करेंगे। हमारे पूरी उड़ीसा में कैसे जगन्नाथ जी को पहले भोग लगता है, फिर उसके बाद बिमला माता को किस प्रकार का भोग लगता है, हमारे निगराज जी में अनंत वासुदेव जी है तो किस प्रकार अनंत वासुदेव को पहले भोग लगता है, फिर शिव जी को भोग लगता है। तो ये पूरा का प्रामाणिक वस्तु है, ऐसे अगर हम देवा देवी को देंगे तो वो विशेष रूप में ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसमें एक प्रश्न हमारे किसी ब्रह्मचारी ने प्रश्न पूछा था कि देखो आप लोग वैष्णव हो, आपको अगर हम कुछ प्रसाद दे दे तो आप क्या करोगे, तो ब्रह्मचारी ने बोल दिया कि देखो भैया हम तो भोग लगाएंगे, तो आप तो भोग बिना भोग लगाते नहीं पाओगे, नहीं ठीक है हम बिना भोग नहीं लगा के नहीं पाएंगे। तब इसने पूछा देवा देवी भी तो वैष्णव है, देवा देवी को भी दे दोगे तो वो भी ठाकुर जी को भोग लगा के ही तो खाएंगे ना, वो थोड़ी ना ऐसे खा जाएंगे, जो देवा देवी है वो देवा देवी तो परम वैष्णव है, आपको जैसे हम प्रसाद देते थे आप जैसे भोग लगा देते हो, वो देवा देवी को जिस प्रकार हम प्रसाद दे देंगे वो भी भोग लगा देंगे अपने अपने ठाकुर जी को, शिव जी को मानो प्रसाद दे दिया तो वो भोग लगाएंगे कृष्ण को, तो वो ऐसे पाएंगे। तो बात तो बड़ी अच्छे है, लेकिन यहाँ पे समाधान दे रहे हैं इस प्रकार की नहीं। तो हमारे जो
विधि है, हमारे जो विधि उसमें हम पहले हमारे कृष्ण को हम डायरेक्ट भोग लगा ही नहीं सकते, हमारे अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए हम जब भोग लगाने बैठते हैं तब मन में मन गुरुदेव को स्मरण करते हैं कि गुरुदेव आप कृपा करके कृष्ण को भोग लगाओ, क्योंकि हमारे कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, हमारे संबंध हमारे गुरुदेव के साथ है। तो गुरुदेव जब भोग लगाते हैं तो साक्षात रूप में कृष्ण ग्रहण करते हैं। तो देखो जब देवादेवी को भोग लगाते हैं मंत्र किसका पढ़ते हैं, वही देवादेवी का मंत्र पढ़ के उसको उनको भोग लगाया जाता है। ऐसा कोई हुआ है कि शिव जी का मंत्र पाठ कर रहे हो और शिव जी को बोल रहे हो प्रभु आप एक काम करो इसको राम जी को भोग लगाओ, कृष्ण विष्णु को भोग लगाओ आप पालन, ऐसा तो कोई नहीं होता। सबके सब क्या करते हैं, जो शिव साई को भक्त है वो शिव जी को भोग लगाते हैं, जो शाक्त भक्त है वो दुर्गा देवी को भोग लगता है, जो गाना भक्त भक्त है वो थोड़ी ना बोलते हैं प्रभु आप ये लड्डू दे दो और लड्डू कृष्ण का बड़े प्रिय है आप लड्डू कृष्ण को पहले दे। सबके सब गाना भक्त भक्त क्या करते हैं, लड्डू लेते हैं बोले आप गणेश जी को बोलते हैं लड्डू तो हमने आपके लिए बनाया आप इसको ग्रहण कर। तो ये जो चीज है उसको देवा देवी कभी भी संतुष्ट रूप नहीं होते, क्योंकि वो सोचते हैं उनके सबके जो ईश्वर सबके जो मूल कौन है अनादि राधे गोविंद, सबके मूल है कृष्ण गोविंद, उनको अगर भोग लगाने के बाद फिर देवा देवी को निवेदित किया जाए तो देवा देवी तृप्त होते हैं। और इसमें शिक्षा देने जिस प्रकार कभी एक उदाहरण देते हो बने चाहे कितने भी तपस्या कर लिया चाहे कितने भी अनन्यता भक्ति था उसमें दुर्गा देवी के प्रति गोविंद, फिर भी दुर्गा देवी ने उसको कृपा नहीं किया, दुर्गा देवी ने उसको कृपा नहीं किया, बोले तुम किसी वैष्णव के पास जाके उनसे दीक्षा मंत्र लो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार में यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, एक तो भोग प्रसाद वाला शिक्षा और दूसरी शिक्षा यहाँ पे दे रहे हैं कि हमको जो भी करना है हम अपने आप किसी को किसी कृष्ण के प्रति अनन्यता भाव नहीं ला पाएंगे, इसलिए हमको किसी सद्गुरु के पास जाके पहले वो शिक्षा मंत्र को ग्रहण करना पड़ेगा, वो मंत्र को ग्रहण करना पड़ेगा, फिर उसको उसके अनुरूप गुरुदेव से हमारा धीरे धीरे संबंध बनेगा और गुरुदेव के साथ जो कृष्ण का संबंध है धीरे धीरे उसमें हम अग्रगति करेंगे। और इनका जो अंतिम बात है इनके जीवन चरित्र में आता है कि इनके जो गुरुदेव श्रीनिवास आचार्य ठाकुर, एक समय श्रीनिवास आचार्य ठाकुर मूर्छित हो गए, प्रेम मूर्छा हो गया उनको, श्रीनिवास आचार्य ठाकुर जब मूर्छित हो जाते थे बोलते दो तीन दिन तक उठते नहीं थे। तो जब श्रीनिवास आचार्य ठाकुर मूर्छित तो होते हैं लेकिन हर समय किसी ना किसी अंग को हिलाते हैं, भाव अवस्था में रहते हैं, आंखों से अश्रु निकालते हैं, एक समय ऐसे मूर्छित हो गए कि वो देख रहे सब लोग देख रहे हो ना उनके पूरा श्वास भी रोक गया, पूरा अवरुद्ध हो गया शरीर और कंप, जब अश्रु कंप ये कुछ नहीं हो रहे अर्थात विकार कुछ दिखाई नहीं दे रहे उनके शरीर में पूरा मूर्छित हो गए। तब उसी समय श्रीनिवास आचार्य ठाकुर के और कुछ शिष्य ने श्री कृष्णनाथ रामचंद्र कविराज गोस्वामी पाद को बुलाया कि देखो देखो आपके गुरु अभी मूर्छित हो चुके हैं। तब जब मूर्छित हो चुके हैं तो उन्होंने आके देखा रहे ये तो वास्तव में आपका मूर्छित है, आपने ये मूर्छित हो चुके। तब उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे एक आसन लगा दो। तो वहां पे उनके जो मूर्छित हुए थे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर उनके आसन के पास ये रामचंद्र कविराज गोस्वामी वहीं बैठ गए, वहीं बैठ के ध्यान लगाने गए और ध्यान समाधि नित्य धाम में चले गए, वो भी ध्यान लगा के वो भाव अवस्था को प्राप्त किए और वहीं बैठ गए और बैठ के नित्य धाम में जाके देख रहे हैं श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कौन है, ये राधा रानी का नित्य मंजरी है। तो उसी समय वो देख रहे हैं कि किस प्रकार श्रीनिवास आचार्य ठाकुर मंजरी स्वरूप को धारण किया है और राधा रानी का उस समय बेसर हो गया है। तो उस समय राधा रानी का जो बेसर हो गया तो वो सब लोग ढूंढ रहे हैं सखी मंदिर सब मिलकर ढूंढ रहे हैं। तो उसी समय श्रीनिवास आचार्य ठाकुर भी उसी बेसर को ढूंढ रहे। तो ये जब ये चीज को जब देखा रामचंद्र कविराज गोस्वामी ने ये चीज को जब देखा कि अरे मेरे गुरुदेव तो अभी ये नित्य जगत में, अरे मेरे गुरुदेव तो अभी राधा रानी का बेसर को ढूंढ रहे हैं, बेसर समझ में आ रहा है, तो उसको ढूंढने तो इन्होंने भी सोचा कि चलो मैं भी ढूंढता हूँ। तो इन्होंने भी ढूंढा, जब इन्होंने ढूंढते ढूंढते श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी को वो बेसर मिल गया, एक पद्म के पुष्प के नीचे जो नार होते हैं उसी नार में ये बेसर लटक गया था, मतलब रुक गया था। तो उसमें वो देखते ढूंढते ढूंढते उनको वहां दिख गया। फिर इन्होंने अपने गुरुदेव श्री श्रीनिवास आचार्य ठाकुर को दिया, श्रीनिवास आचार्य ठाकुर इस प्रकार लोक मंदिर को देते हैं और ललिता सखी को देते हैं, फिर राधा रानी को वो बेसर प्राप्त होता है। तो राधा रानी बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि बेसर किसको मिला। तब वहां पे बता रहे हैं ललिता सखी की देखो यहाँ पे जो
ये जो नए सखी आए हैं ना आज, ये रामचंद्र कविराज गोस्वामी, ये नए सखी ने आज वेतर ढूंढ के निकाला। तब राधा रानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनको अपने लवंग जो तांबुल जो राधा रानी के पान, वो पान को प्रसादी पान को स्वयं अपने हाथ से उनको प्रदान किया। तब इनका जो मूर्छित भंग होता है, ये पान को खाते हैं तो इनका जो मूर्छित भंग होता है, इनको मुंह अलग होता है, जैसे पूरा कोई पान खाए। तो इस प्रकार के ये महाप्रभु के निजन है। आज उनका शुभ तिरुभाव तिथि है, समय तो हो गया। उनके चले जाने के बाद भी रतनदास ठाकुर ग्रह में रो रहे हैं,
हे आचार्य श्रीनिवास जी, ऐसी कृपा करें कि फिर से पुनः पुनः मुझे कहीं पर भी जन्म दें तो मुझे इनका ही संग मिले, श्री रामचंद्र गुजरात जी का। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की अब हम कथा श्रवण करें, क्योंकि श्री कविराज जी रामचंद्र जी का हम कथा श्रवण कर चुके हैं। वैसे श्री रामचंद्र जी कविराज जी श्री खंड में श्री चिरंजीव सेन जी के पुत्र थे और इनका सुंदर तरीके से लालन पालन हुआ और श्री जीव गोस्वामी ने अपने 8 कवियों में इनको रखा, जो श्रीनिवास जी ने भी इन पर कृपा करके इनको सुंदर दीक्षा इत्यादि दी और जीव गोस्वामी जी ने भी इन पर कृपा की। तो ये सारी कथा हमने सारी श्रवण की। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो है श्री रंगम में श्री वेंकट भट्ट जी के यहां पर प्रकट हुए, उनका आविर्भाव हुआ और वेंकट जी जो श्री लक्ष्मी और नारायण जी के भक्त थे, उनकी उपासना पूजा इत्यादि करते थे, उनके सुपुत्र हुए ये गोपाल भट्ट गोस्वामी। और शुरू से ही इनके यहां पर हमेशा निरंतर वैष्णव सेवा होती थी। छोटी उम्र में ही मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने स्वप्न देखा कि सचिदानंद गौर हरि जो नवद्वीप में है वो और कोई नहीं भगवान श्री कृष्ण ही है और उनका संन्यास लीला उन्होंने दर्शन किया स्वप्न में। अभी उनका साक्षात दर्शन नहीं किया लेकिन स्वप्न में ये दर्शन करके एकदम से उठ गए और इतना ज्यादा विलाप करने लगे कि उसकी कोई सीमा नहीं, एकांत में जाकर रोने लगे। वहां पर साक्षात चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उनका आलिंगन किया अपनी गोद में लेकर के उनके साथ ही रोने लगे महाप्रभु जी। और ऐसा रोदन दोनों का, और चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे तो जैसे पिचकारी की धार और इतनी दूर के लोग आराम से भीग जाते थे। तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु जो रो रहे हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पूर्ण तरीके से उनके आंसुओं से अभिषिक्त हो चुके और कहने लगे, जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा कि मेरे सामने तो साक्षात महाप्रभु आए, तब उन्होंने उनको प्रणाम किया और महाप्रभु ने उनको गोद में लेकर के कहा, हे गोपाल तुम चिंता मत करो, तुम आनंद से भक्ति करो और मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगा। ये कहकर के आलिंगन करते हुए कहा कि किस, और कुछ ही समय बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री रंगम में रंगम स्थली का रंगम तीर्थ का दर्शन करने की लीला से वहां प्रकट हुए। वास्तविकता में गोपाल भट्ट जी का जो उनको आसक्ति थी, प्रेम था, इस कारण से वो वहां गए थे, लेकिन रंगम लीला वहां पर अन्य अन्य वैष्णवों और गोपाल भट्ट के जितने भी संबंधी उन सब पर कृपा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे। वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर श्री वेंकट भट्ट जी, जो महाप्रभु के बारे में जाना कि भावुक वैष्णव है और कई लोग इनको बोलते हैं भगवान का अवतार है, ये देख करके उनके पास गए, उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके उनको कहा, आप मेरे घर चलिए और वहीं पर भिक्षा ग्रहण कीजिए, उनको घर निवाला है। घर में आए महाप्रभु बड़े प्रसन्न और उस बालक को सुंदर दर्शन दिए, बालक को आलिंगन किया और वहीं पर कुछ दिनों के लिए रहने लगे। वहां पर सुंदर तरीके से उनकी सेवा होने लगी और सुंदर समय पर भगवान को भोग लगा के, लक्ष्मी नारायण को भोग लगा के महाप्रभु को प्रसाद पवाया गया। एक समय महाप्रभु ने मजाक में कहा कि देखो वेंकट, तुम बहुत अच्छे वैष्णव हो लेकिन लक्ष्मी नारायण की तुम उपासना करते हो, तुम राधा कृष्ण की उपासना क्यों नहीं करते हो? यहाँ पर क्योंकि वेंकट भट्ट के अंदर थोड़ा सा दर्द देखा गया है, इनकार देखा गया कि लक्ष्मी नारायण के हम उपासक हैं और जो सीताराम या राधा कृष्ण के जो उपासक हैं उनसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण का जन्म नहीं होता, वो अवतारी है, ये मानते थे वेंकट भट्ट। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उसी दर्द को, उसी अहंकार को खत्म करने के लिए उन्होंने मजाक पर पूछा था कि भाई तुम राधा कृष्ण का क्यों नहीं उपासना करते, लक्ष्मी नारायण का क्यों करते, जबकि राधा कृष्ण
का जो भक्ति है उसमें सबसे उच्च कोटि का रस और भक्ति और प्रेम है, उसको करना चाहिए। लेकिन वेंकट जी ने कहा, देखो सबके सब नरसिंह भगवान, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री कृष्ण और अन्य जितने भी विष्णु के अवतार हैं, वो सब नारायण से प्रकाशित है। तो नारायण अवतारी है, ये बात जब कही तो अब महाप्रभु ने कहा, अच्छा ऐसा है तो ये बताओ, लक्ष्मी जी रास में प्रवेश करने के लिए वृंदावन में तपस्या क्यों करती है बेलवन में, और तपस्या इतने समय तक की, कई वर्षों तक की, तो भी वो तपस्या पूर्ण नहीं हो पाई और वो कभी भी रास में प्रवेश नहीं कर पाई, क्या कारण है? और चलो मैं दोष नहीं देता, अपने पति नारायण को छोड़ करके कृष्ण की ओर आसक्त क्यों हो गए, जब नारायण सर्वश्रेष्ठ है हर प्रकार से तो क्यों? तब देखो उन्होंने कहा वेंकटपट जी ने, ये बात सत्य है, नारायण और कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, तो इस वजह से लक्ष्मी राधा और सीता में कोई भेद नहीं है, तो वो वहां और यहां दोनों तरफ अपने पति की सेवा कर रही है। उन्होंने बोला तो भी उनको रास में प्रवेश क्यों नहीं मिला, बाप उन्होंने पूछा तो वो निरुत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। तब उन्होंने बोला उसका कारण है लक्ष्मी जी जो है अपने ऐश्वर्य भाव से वहां पर भजन कर रहे हैं और उसने जो है आश्रय ले लिया। जब तक गोपियों का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तो कृष्ण कहां से मिलेंगे? ठीक इसी प्रकार से जैसे कोई कृष्ण की प्राप्ति चाहता है और गुरु का आश्रय ग्रहण ना करे तो क्या कृष्ण मिलेंगे? और यहां पर गोपियां जो है श्रीमती राधा रानी का प्रकाश है और उनका आश्रय ग्रहण किए बगैर राधा रानी, और उन्होंने कहा कि हम तो लक्ष्मी नारायण को ही अब तक अवतारी मानते थे। तब महाप्रभु ने कहा नहीं, अवतारी राधा कृष्ण है, क्योंकि रस विचार से भी श्रेष्ठ है और हर प्रकार से जो देखा जाए वो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके नारायण में मात्र 2.5 रस है और श्री कृष्ण के अंदर 12 रस है, 5 तो मुख्य रस और 7 गौण रस, इस हिसाब से भी श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। और तब वो वेंकट भट्ट जो है नतमस्तक हुए, उन्होंने तब लक्ष्मी नारायण की उपासना छोड़ करके राधा कृष्ण के पास में प्रारंभ की, कि महाप्रभु ने कृपा की। उनके भाई थे प्रबोधानंद सरस्वती जी, बड़े उच्च कोटि के संत, उन पे भी महाप्रभु ने कृपा की और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को अंगीकार करके आलिंगन प्रदान करके वहां सबको राधा कृष्ण की भक्ति में लगा करके गोपाल भट्ट को आशीर्वाद प्रदान किया और उन्हें मन ही मन आशीर्वाद प्रदान किया कि तुम जो है जो तुम्हारे माता पिता की सेवा करके उसके उपरांत तुम वृंदावन आ जाओ, वहां से चले गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, समय बीता, माता पिता खुद अभिलाषा थी कि हमारे जीते जी तुम जाकर के राधा कृष्ण का और महाप्रभु ने जो आदेश किया है वो तुम पूर्ण करो, तुम जाओ और वृंदावन जाओ। ऐसे माता पिता धन्य है जो अपने पुत्र को भक्ति के लिए वृंदावन भेजते हैं। ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के माता पिता, उन्होंने वृंदावन भेजा, वृंदावन में जाकर के उन्होंने सुंदर तरीके से पूरे ब्रज का दर्शन किया, वहां पर जाकर के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी का दर्शन करके वहां पर सुंदर तरीके से वहां जीव गोस्वामी के आदेशानुसार वहीं पर रह करके भजन इत्यादि करने लगे। वहां उनके पास बताते हैं 12 शालिग्राम जी थे, 12 शालिग्राम जी, और उनमें से एक शालिग्राम जो वो गंडकी नदी में स्नान करने के लिए उत्तर भारत गए थे, उधर जाके स्नान करके जब वो बाहर निकल रहे थे तो उनके हाथ में एक बड़ा ही चमत्कार शालिग्राम हाथ लगा, उसको लेकर के वो आए और वो पहले 11 थे, वो 12 उसमें रखा, तो 12 शालिग्राम की वो पूजा उपासना किया करते थे। एक दिन उनके मन में आया कि ये जो शालिग्राम की मैं सुंदर तरीके से पूजा उपासना करता हूं राधा कृष्ण का भाव लेकर के, काश ऐसा हो पाता कि मैं इन्हें सुंदर अलंकार से सुशोभित करता, सुंदर वस्त्रों को इन्हें पहनाता और सुंदर इनकी उपासना आदि कर पाता।
ये मन में भाव था, उधर भगवान ने किसी सेठ को प्रेरणा दी कि जाओ गोपाल भट्ट जी के पास जाकर के कुछ सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार लेकर के वहां प्रस्तुत हो जाओ। सवेरे सवेरे वो सेठ अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण लेकर के आ गया और यहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अभी आने करके उठे ही थे, तभी उन्होंने कहा कि ये वस्त्र जो है मुझे भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी है, आप अपने भगवान के लिए लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। तो उन्होंने ले तो लिया, अब सोचा कैसे होगा, इतने सुंदर सुंदर पोशाक वगैरह लेकर आए हैं, कैसे पहनाऊंगा। और सोचने लगे कि वो श्री विग्रह होते मेरे सालिग्राम में कितना अच्छा होता। ये सोचते सोचते कपाट खोले तो देखा वहां साक्षात राधा रमन जी प्रकट हो गए। वृंदावन में जाएंगे तो आज ही महाराजा सुंदर जो ठाकुर है वो राधा रमन है, किंग ऑफ वृंदावन वो राधा रमन आज भी विराजमान है। आप जब भी कभी उधर जाएं दर्शन करें वो आपको मोहित कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे, इतने सुंदर है। उनको सुंदर तरीके से देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए, कहा प्रभु आप तो बड़े कृपालु दयालु में रोने लगे, कब मैंने तो सिर्फ एक विचार किया था और आपने करके दिखा दिया और आप कितने कृपालु दयालु हैं, मेरी सेवा को जो है पूर्ण कर दिया। तब उन्होंने सुंदर तरीके से उन्हें सुशोभित किया और उनको फिर अच्छी तरीके से वहां पर जब आरती इत्यादि हुई तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को जब पता चला वो भी वहां पर दर्शन करने के लिए आए और रोते रोते सबने वहां पर दर्शन किया। ऐसे महान गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की आस्थिति है, उनके ही चाचा प्रबोधानंद सरस्वती जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी थी और प्रबोधानंद सरस्वती जी भी महान जो है कौन सी तुंग विद्या जो है सखी है। और ये भी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है अनंग मजरी, तो इस तरीके से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का सुंदर तरीके से वृंदावन में वास और षड गोस्वामियों में ये एक मुख्य एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिनकी कृपा से आज हम सब भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं। तो हमें आज ये दोनों संत कृपा करें जिससे हम किसी जन्म में उनके भावों को अंगीकार करके राधा गोपीनाथ जी के भावों को उनके दर्शन को उनके प्रेम को ग्रहण कर सके। हरि बोल। वंचा करते हैं। जय हो। जय बाबा के वचनानि पाठ की। जय। आज दो-दो संतों का तिथि। आज दो-दो संतों की हम लोगों ने कथा सुनी है। कहते संतों की कथा सुनने से जब महाप्रभु गदाधर पट्टी जब जगन्नाथपुरी पे रहते थे गदाधर पट्टी को राधा रानी तो उनको पास में महाप्रभु रोज कथा सुनने जाते थे। तब गदाधर पट्टी भी बोलते थे प्रभु आज कौन सा प्रसंग आप सुनना चाहते हैं। प्रभु हमें भक्तों का चरित्र संतों का चरित्र सुनो क्योंकि संतों का चरित्र सुनने से हमें उन्होंने कैसे कैसे भजन किया, भगवान को कैसे प्रेम करते थे, ठाकुर जी उनके साथ कैसे बात करते थे, उनकी साधन वजन कैसे थी, कितने हरिनाम करते थे, ये सब कथा सुनने से हमारे अंदर प्रेरणा आती, हम भी ऐसे भक्ति करेंगे ऐसे भजन करेंगे। इसलिए और संतों के चरित्र को बारम्बार सुनते थे। इसलिए कहते जो गोपाल भट्ट गोस्वामी आप लोगों ने श्रवण किया जब महापुरुष गए थे श्री रंगम गए थे जब उनको पिताजी को साथ मिलकर भेंट होगी उनको दोनों के साथ में शास्त्रार्थ हुई है क्योंकि वो पहले लक्ष्मी नारायण को पूजा करते थे। लेकिन जब शास्त्रार्थ हुई तो उन्होंने जब बार बार में पूछे बोले मेरे कृष्ण तो गुआ वो वृंदावन में रहते गैया चलाते और लेकिन तुम्हारे जो प्रभु बलपुट में रहते और उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री लक्ष्मी ठाकुर आई हमारे कृष्ण तो गुआ गैया को चलाने वाले और राधा इनकी बाप पास में राधा है। लेकिन तुम्हारी लक्ष्मी जो वैकुंठ में रहने वाली जो नारायण की अंतर सारिणी फिर वो हमारी ग्वाला कृष्ण को पाने के लिए फिर उन्हें तपस्या क्यों की। तो उन्होंने पूछे कहां से आपकी बात की महाप्रभु पूछे बोले भागवत से बोले भागवत मैं नहीं पढ़ा लेकिन मेरे को तो भागवत में कहीं की सब बात सुनने को मिली नहीं है। तब श्री महाप्रभु ने भागवत से तीन स्थानों से उन्होंने श्लोक उठा करके बोले
तीन स्थान पर जहां था कृष्ण जो कालिया नाग पर सर पर नृत्य की नृत्य करते समय जब ऐसे चरण के ऊपर पा रहे थे और उसको खून की उल्टी होने लग गई। किसकी? कालिया नाग। ने देखा कालियों का पत्नियों ने देखा समर्पति पहले तो सोचे थे भर जाए तो अच्छा है क्योंकि एक में तो भजन करता नहीं और हमें भजन करने देता है। जो पति खुद भक्ति नहीं करे और पत्नी को भी भक्ति करने नहीं दे भैया ऐसे पति रहना देने में बराबर क्योंकि जो जीवन मिला इसलिए जीवन मिला भगवान की भजन के लिए मिला। जिस काम के लिए तुम्हें ये जीवन मिला है अगर वह काम तुमने नहीं कर पाया सारा दुनिया काम तुमने करता है संसार का सारे कर्तव्य तुमने कर चुका है। लेकिन जो जिस के लिए तुम्हें ये मानव शरीर 84 लाख जन्मों के बाद मिला आए थे हरि भजन को ओटन लगे तो वो काम करने को तो भजन अगर क्या है हम भी तो वहां पर रह जाए और खूब भजन करें भगवान भगवान को करेंगे। लेकिन भगवान की चरण का स्पर्श से है धीरे धीरे उसकी जब चहरीलापन उसका जो खाल स्वभाव भगवान की चरण की ठोकर से खा खा करके जिस चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या करते हैं जब चरण का स्पर्श होगा ना उसका बुद्धि बदल गई। नहीं सचमुच ये भगवान हमारी पत्नियां कहती थी भगवान मैं नहीं मानता था केवल 6 साल का बच्चा वह सर पर खड़ा हुआ लगता है जिसको ब्रह्मांड में सर प्राप्त उसका जब भावना बदली गई नहीं ये कितने में बोले नहीं ऐसे पति रहना चाहिए ऐसे पति रहना चाहिए जो भगवान की भक्ति करते हैं। क्योंकि अगर दोनों पति पत्नी भजन करना पास दो अगर गाड़ी में अगर दो पहिया होता है और बढ़िया से गाड़ी चलती है अगर पति भी भजन करे तो पत्नी भी भजन करे दोनों दोनों को मदद करेंगे बोले ऐसे पति रहनी चाहिए। खैर उन लोग ने निकल करके हैं कस्यान भाव सदे होते हैं तब उन लोगों ने बड़े सुंदर स्तुति की। तो स्तुति में कहते हैं नाग पत्नियां कहती हैं बोले प्रभु हमारी पत्नी ने ऐसे कौन सा सौभाग्य किया है जिस चरणों को पाने के लिए ऋषि मुनि लोग इतने कठोर साधन करते तभी प्राप्त नहीं कर पाते लेकिन वो दुर्लभ चरण आप किसको सर पर किया कालिया को सर पर किया। तो जिस चरण को पाने के लिए बिहार कामान सुचिरत स्तर पर का लक्ष्मी उन्होंने बैकुंठ तो बोलते छोड़ दिया बैकुंठ छोड़ के काम रहा है। आप लोग वृंदावन बेलवन गए हो नहीं गए वहां बेलवन में महालक्ष्मी अब भी बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तो उनकी ये श्लोक दूसरे श्लोक उन्होंने बताए जब उद्धव जी ब्रज में आए और उन्होंने जो ब्रजवासियों का प्रेम विशेष करके गोपी विशेष कर राधा रानी को प्रेम को जब देखा फिर भ्रमर गीत में कैसे श्रीमती राधा रानी मानी होकर के कृष्ण को जो टेढ़ी मेढ़ी बात कहती ये सब चीज को देख करके ना फिर उद्धव शुद्ध है गए छोड़ी गोपियों की बोल हे उद्धव तुम सीधा हो गया है। इतने में वहां पर भी उद्धव जी 5 श्लोक से राधा रानी की गोपियों की महिमा को प्रार्थना की। उस श्लोक में कहते विहाय का उस श्लोक में कहते हैं नायब श्रीयस जब नित्याप्त हरते प्रसाद लहे प्रभु लक्ष्मी को वैकुंठ वासी लक्ष्मी को जो सौभाग्य प्राप्त है ये सौभाग्य गोपियों को प्राप्त हुआ। बल कैसे बोले तुझे दंड गीत कंठा रास लीला करते समय कृष्ण जैसे भी छोटा बच्चा कभी लोग देखे ना अगर किसी बच्चे को कोई चीज चाहिए ना तो क्या करती है भैया बल कर गल रहे हैं भैया कर ये चीज दे दे भैया मेरे को दे दे भैया ऐसे करते ना भैया गल पर हाथ लगा करके छूट जाता है भैया गलवैया देकर मानती है। उसी तरह कृष्ण का जो हस्त अपने पूछे दत्त गृहित कंठा क्या सुंदर भगवान के हस्त है कि हस्त से ने गोपियों को गले में गले में आते के बोले गोपियां कि रास लीला को परित्याग मत करो नहीं तो रास का रस खत्म हो जाएगा। फिर वहां पर और ये कुछ श्लोक लक्ष्मी की नाम आई है जब उन्होंने ये बात बोले ना बेहतर सोचा मैं तो अभी तक भी मैं भी बात बोल रहा था लेकिन मेरे को तो ये सब चीज मिली नहीं लेकिन वहां उन्होंने बताया भक्तों का स्थान पर इसका तात्पर्य यह है अरे जाओ भागवत पर वैष्णव स्थान एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण अगर भागवत का रस को कोई समझना चाहते क्या करे तो वैष्णव की अनुगति अपने आप नहीं पढ़नी चाहिए। कोई सोचे अगर हम पी एच डी किया हम डॉक्टरेट किया संस्कृत में हम दुबरा पढ़ी आचार्य किया हम संस्कृत सब समझ गए क्या नहीं समझ सकते नहीं
जब तक उसे वैष्णव के आनंद में हम भागवत को नहीं पठन पाठन करेंगे कुछ भी नहीं समझ, जितना भले ही तो बड़े विद्वान हो गया। और कौन सा वैष्णव का आनंद में बोले चैतन्य भक्त नित्य कर संग। अगर तुम भक्ति रस को प्राप्त करना चाहते हो समुद्र में महाप्रभु के जो भक्त लोग है उनकी चरण आस है, तभी तुम सिद्धार्थ के तरह में रस में प्रवेश कर पाओगे। तो इसको सुन करके तन्मान बात से ही अपने बताया। अब यहाँ प्रश्न होता है सर ये लक्ष्मी क्यों चाहती है रास में प्रवेश करना, ये रास है क्या चीज, रास की क्या महत्व है। और विशेष करके वो तो नारायण की अक्स आए थे, नारायण की लक्ष्मी है, पर कृष्ण के अंदर में क्या चीज है। पर श्री महाप्रभु ने बताया देखो कृष्ण के अंदर में विशेष करके चार गुण है जो कि किसी देवा देवी में भी नहीं, किसी जीव में भी नहीं, ब्रह्मा शंकर में भी नहीं, यहाँ तक भी भगवान कृष्ण के जितने वत्स ब्रह्मा वराह मिश्रित वामन जितने अवतार के केवल कृष्ण में ही चार विशेष गुण। वो क्या क्या है बोले सर्पात चमत्कार लीला कलवाय। भगवान कृष्ण ने जितने प्यारी प्यारी लीला की ना, जितने सुंदर लीला की लक्ष्य किसने नहीं, कभी भगवान किसी भगवान को ने किसने बांधा के रक्षा नहीं करते, लेकिन भैया ने कृष्ण क्या किया, भगवान का दान किसने पकड़ा, भगवान सबको कान पकड़ करके उठाते बैठ जाते, लेकिन भैया ने जो मंथन जेल की सीधा कृष्ण और जो कृष्ण मिट्टी का सीधा भैया ने पान पकड़ सीधा भगवान बोले तीव्र अपवित्र मिट्टी खाई घर में क्या मक्खन मिश्र की कभी तुमने मिट्टी खाई है, तुमने मक्खन खाई किसने मक्खन खाई, कृष्ण भैया की डर से क्या बोलते मिले भैया मोरी मैंने मां ऐसे कर चुकी थी भगवान की जो लीला किए कि रास और किसने रचाया, कोई नहीं रचाया है, सीता ने कुछ उल्टा सीता ने कुछ गड़बड़ की नहीं, लेकिन भगवान राम ने क्या किया तो बनवास लक्ष्मण को बोल दिया बस बस कुछ पढ़ कर क्या, लेकिन ब्रज को उल्टा है हैं के बापा बे वाके पार प्रेम न दिया की सदा उल्टी बहनार। अगर कुछ इधर उधर हो कृष्ण अगर कुछ बोलते ना राधा रानी क्या करते कुछ इस बात कृष्ण को निकाल देती भगवान को निकाल देती और कृष्ण राधा रानी की चरण में गिर जाती है, राधा रानी की चरण में गिर जाती है माफी मांगने वाले राधा रानी मान की क्यों मान को छोड़ दे इतना अधिक तुमने क्यों मान, ऐसे कृष्ण कृष्ण को जो मधुर मधुर लीला का सुंदर लीला बस किसने बजाय कृष्ण का स्वर किसने बड़ी मस्ती हो जाए किसने नहीं बजाय, इसलिए कहते हैं लीला माधुर्य प्रेम माधुर्य रूप माधुर्य इनका जो रूप माधुर्य इतना सुंदर कृष्ण स्वयं अपना रूप को देख करके कृष्ण मुक्त हो जाते हैं, कौन है इतने सुंदर परछाई को देख कर मनीष का बल इतने सुंदर कौन है, कब मैं राधा रानी बन करके ये रूप को क्या आनंद रहा, इसलिए कहते विशेष कर कृष्ण कहते हैं चार गुण है, इसलिए लक्ष्मी आप बड़ी पतिव्रता का लक्ष्मी आप कितना नारायण का चरण छोड़कर नहीं छोड़ती, हर समय नारायण का चरण को गोद में लेकर बैठी पतिव्रता, लेकिन कृष्ण हमारे कन्हैया इतने सुंदर है जिसके रूप की सुन करके माधुर्य रासलीला सुन करके अपना पतिव्रता धर्म से विचलित हो जाए और कृष्ण का चरण को पाना चाहते हैं। महाप्रभु चार गुण का व्याख्यान किया ना इतने परिवार थे ना, पहले सबके सब लक्ष्मी नारायण को पूजा करते थे, हम लोग सब छोड़ गए तो सबके राधा कृष्ण भक्ति में, ये सब के सब राधा कृष्ण के भक्ति में आ गए और घर में पूरा परिवार था और जो प्रवधन कर है उनका जो चाचा थे या ग्रंथ लिखे राधा रस सुधारित अद्भुत ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ राधा रानी क्या चमत्कार था, राधा जी की क्या महिमा उन्होंने गाए हैं बोले राधा करावज चपल देखो कितना सुंदर श्लोक जो लिखा है ना है देखो कितना बोले राधा करावज चपल्लव बल्लभी के राधा पदांक विलस मधुर स्थली के राधा, इसमें बड़े सुंदर राधा है की बोले वैकंठ सिंधु रतु राधिक सिंधु वात्सल सिंधु रति सांद्र कृपाइक सिंधु लावण्य सिंधु रति सा अमृत छवि केल सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदय केल सिंधु,
तो राधा के नाम लेते हैं ना, बजाओ राधा मर बिंद नेत्रम स्वामी राधा मधुर स्मितास्यम बजाओ राधा करुणा मदानम ततो मास्ते न कपि लबलसी तराशिपरिता स्कलिता प्रसिद्धं क्या। जो राधा रानी एक कृष्ण कृपा पचास और नहीं तीन बार थे ना, कृष्ण को बल पुत्र गिर जाती, बल सूर्य गिर जाती, कृष्ण स्वयं गिर जाती। फिर क्या उन्होंने राधा रस सुधारने की, राधा रस का सुधार की अमृत क्या उन्होंने श्लोक लिखे अद्भुत रूप में उन्होंने ये महापुरुष कृपा से लिखे। इसलिए आज हम भी दो दो के संतों की आरती है। ये सब संत हमारे संप्रदाय में बहुत बड़े बड़े संत हैं। ये सब हम सबको करके कृपा आशीर्वाद करें। हम जैसे इतनी है शरण में रह करके इनके आदिगत करें, हम ठाकुर जी की महाप्रभु धारा में अभिषिक्त हो सके, ये सब हम लोगों पर में कृपा करें। हरी हरी बोल। वृंदावन महिमा कृष्ण ये सब संदर्भ।